a sum of money invested at compound interest amounts to rupees 650 at the end of the first year and rupees 676 at the end of the second year. The sum of money is. The sum of money is. देखिए, एक बार इसकी ऑप्शन बताओ. 600, 540, 625, 560. ये ऑप्शन है, ठीक है. इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं. देखो क्या है, मान लो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है एक साल बाद, ये अमाउंट है दो साल बाद. इस पर को आपको ये बेसिक बात बतानी है कि ना, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हैं तो जो अमाउंट का रेशियो आता है, दो सक्सेसिव इयर्स के अमाउंट का रेशियो आता है, वो हमेशा दैट इज ऑलवेज सेम. मतलब ए टू बाई ए वन, ये ए टू बाई ए वन इज इक्वल टू ए वन बाई पी. ठीक है, मैं पहले आपको वर्बली आंसर बता देता हूँ. आंसर 625 बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है. क्यों है ये भी बता दूंगा, जब थ्योरी में इस पर कंसेप्ट बता रहा हूँ इसलिए यहाँ बता रहा हूँ, वरना ये डायरेक्टली 625 आंसर है, बहुत आसानी से समझ आएगा आपको बाद में. ए वन बाई पी इज इक्वल टू ए टू बाई ए वन. अब देखो पी की वैल्यू हमें निकालनी है, एक साल बाद का अमाउंट कितना है, ये ए वन है, ये ए टू है, ये कितना है 650 इज इक्वल टू, ए टू कितना है 676 अपॉन 650. ठीक है, तो यहां से प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, P इज इक्वल टू ये P क्या आ जाएगा, 650 इंटू 650 अपॉन 676. ठीक है, 26 से काटा, इसको मैं लिख दूं 26 इंटू 26 अपॉन 650 इंटू 650. ये 26 से काटा, ये आ गया 25, ये भी कितना आ गया 25. आंसर क्या हो गया, 625. ये मैंने आपको कैलकुलेशन से करके बता दिया, और मुझे एक कंसेप्ट बताना था कि इन दो सक्सेसिव सालों का रेशियो सेम होता है. ठीक है, टू सक्सेसिव ईयर्स का रेशियो क्या होता है, सेम होता है. पर मुझे जो मेन बात आपको बतानी है, देखो जो मेन कंसेप्ट बताना है, ये प्रिंसिपल था मान लो, ठीक है, ये सेकेंड मेथड है, ये प्रिंसिपल था, इस पर कुछ इंटरेस्ट लगा पहले साल, ये कितने रुपए बन गया, 650 रुपए बन गया. फिर इस पे कुछ इंटरेस्ट लगा दूसरे साल, तो ये कितना बन गया, 676 बन गया, 676. देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो होता है, हर बार इंटरेस्ट बढ़ता है. कंपाउंड इंटरेस्ट की किसमें कहता है, हर साल इंटरेस्ट बढ़ता है. तो मेरे I2 की वैल्यू कितनी है, I2 कितना है 26. 26 रुपये बढ़ाना, तो जो I1 होगा ना वो 26 रुपये से कम होगा. जो I1 होगा वो क्या होगा, 26 रुपये से कम होगा. अगर आप सोचो, देखो मतलब जब तो इसमें से जब मैं माइनस करूंगा, 26 रुपए से कम माइनस करूंगा, अगर मैं कहता 600 रुपए है मेरा आंसर, प्रिंसिपल 600, तो ये इंटरेस्ट कितना आ गया, 50 रुपए. पॉसिबल नहीं है. अगर मैं बोलता 540 से 650, 110 रुपए. पॉसिबल नहीं है. 560 बोलता, अगर मैं बोलता 560 रुपए, तो इंटरेस्ट कितना था, 90 रुपए. ये भी पॉसिबल नहीं है. यहाँ इंटरेस्ट कितना आता, यहाँ इंटरेस्ट आता 50 रुपए, यहाँ इंटरेस्ट आता 110 रुपए, यहाँ इंटरेस्ट आता 90 रुपए. ये सब पॉसिबल नहीं है. तो बचती क्या एक ऑप्शन है, 625. देखना इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर, यहाँ पर इंटरेस्ट कितना, अगर 625 रुपए होता तो 25 रुपए का इंटरेस्ट आता. बात बिल्कुल ठीक है. तो यही पॉसिबल है. क्यों, ये 26 रुपए का इंटरेस्ट और ये 25 रुपए का, ये वाला इंटरेस्ट इससे कम आएगा.